हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में कि वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी है। और शाम 6 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो किन किन इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें, वर्तमान में एक लो प्रेशर एरिया मध्य भारत के आसपास बना हुआ है। ये काफ़ी मजबूत लो प्रेशर एरिया है जिसके प्रभाव से संपूर्ण मध्य भारत से लगाकर पूर्वी भारत तक देखा जाए तो मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में, गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों से लगाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम तेज तो कई कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के किन किन इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो किन किन इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। विशेषतः वर्तमान में मानसून ट्रफ की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिले बीकानेर से सटे इलाकों से होती हुई जोधपुर के आसपास के इलाकों से लगाकर इसी लो प्रेशर एरिया से पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है, जिसके प्रभाव से मानसून ट्रफ प्लस लो प्रेशर एरिया और बीकानेर के उत्तरी इलाकों के आसपास एक नया सर्कुलेशन विकसित हुआ है। दो स्थानीय मौसमी प्रणाली है जो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, जिसको बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और अरब सागरी शाखा से आने वाली हवाओं के प्रभाव से ये सिस्टम काफ़ी मजबूत बन चुका है, जिसके प्रभाव से अगले 3 से 4 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियों का दौर देखने को मिल सकता है। ये बारिश की गतियां धीरे धीरे जोधपुर, जैसलमेर के उत्तरी इलाकों के आसपास तक देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी WD के प्रभाव से और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से ये सिस्टम काफी मजबूत हो चुका है। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियां जारी है। विशेषतः बात करें तो सरी गंगानगर के आसपास के इलाकों से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर के कुछ इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही है। वर्तमान में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीकानेर से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो एक सर्कुलेशन बीकानेर के बिल्कुल उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से बीकानेर संभाग के संपूर्ण उत्तरी इलाकों में तेज आंधी के साथ मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां होने वाली हैं। जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के इलाकों में आने वाले 24 घंटों से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आज रात से इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां बढ़ती हुई नजर आएगी। मानसून ट्रफ अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के बिल्कुल दक्षिणी भागों के आसपास नजर आ सकती हैं, जिसके प्रभाव से बारिश की गतियां धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। विशेषतः वर्तमान में बात करें तो जैसलमेर के उत्तरी इलाकों के आसपास कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां बल्ला से लगाकर शरीर मोहनगढ़ के आसपास के उत्तरी इलाकों में देखने को मिल रही है। विशेषतः नाशना के आसपास वर्तमान में कई इलाकों में टेकरा बाप के आसपास खंड बारिश की गतियां देखने को मिल रही है। साक्षू के आसपास की बात करें तो सिंहासर, नोखा, मिठड़ा, श्रीकोलाई, देशनोक, बीकानेर, गोसाईपुर से लगाकर अमरपुर, अमरपुरा, पोंगल, सतासर, अजीत माता, लोनकरन सर के संपूर्ण इलाकों में कहीं कहीं मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। सूरतगढ़, पल्लू, नोहरगढ़, भादरा के आसपास के संपूर्ण इलाकों में, यानी संपूर्ण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के इलाकों में मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार तो एक दो इलाकों में भारी बारिश की गतियों का दौर देखने को मिला। भादरा, नौर से लगाकर सरदार से श्री डूंगरगढ़ के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतियां और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। मेरता सिटी, भोपालगढ़, जोधपुर, शेरगढ़ से लगाकर पाली, वाइड के आसपास, बालोतरा, बाड़मेर, शिव के मध्य संपूर्ण इलाकों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां तो एक दो इलाकों में तेज बारिश की गतियां हो सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के बाद से इन क्षेत्रों में बारिश की गतियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सासोर, बाकासर, धोनीमीना, भीनमाल, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजमंड से लगाकर अबरूड के आसपास के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियां होने वाली हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर संपूर्ण इलाकों की बात करें तो कोटा संभाग के संपूर्ण इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी तो एक दो इलाकों में अति भारी बारिश की गतियां रहने वाली हैं। टोंक, अजमेर से लगाकर गंगपुर के आसपास के इलाकों में वर्तमान में घने बादल नजर आ रहे हैं और जल्दी इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां और बढ़ती हुई नजर आएगी। नागौर के संपूर्ण इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम तेज तो एक दो इलाकों में भारी बारिश की
गतिविधियां होने वाली है। विशेषतर उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज मध्यम से तेज तो कहीं कहीं तेज आंधी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।